नमस्कार, आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आशीष सर, मैं हूं आशीष और इस सेशन में हम बात करेंगे द हिंदू वोकैबुलरी की। जी हां, आज के इस सेशन में हम हिंदू वोकैबुलरी की बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में एडिटोरियल्स में आपको देखने को मिली होंगी। यदि आप डेली बेसिस पर एडिटोरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं हमारा पैकेज 199 में। 75 वीडियोज़ का पैकेज है जो मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियोज़ मिलते हैं, पर डे आपको 2 एडिटोरियल्स वहाँ पर मिलते हैं, और डेली अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो ये वर्ड्स आपको वहीं उन्हीं के सामने आपको नज़र आते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे इन वर्ड्स का जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में, इनका हिंदी में क्या मीनिंग हो सकता है, इनके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, सेंटेंस में यूज कैसे हो सकता है, ये सारे डिस्कशन होंगे। और बेहद इंपॉर्टेंट ये वर्ड की लिस्ट है। इस लिस्ट को PDF फॉर्म में प्राप्त करने के लिए आप प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। चलिए बात करते हैं इस सेशन की। तो इस सेशन में फर्स्ट पहला जो वर्ड है उससे हम स्टार्ट करें तो स्पैन, यहाँ पे एक वर्ड है, स्पैन वर्ब के रूप में लिया है। वैसे स्पैन का मतलब अवधि भी होता है, पीरियड भी होता है, टाइम भी होता है, लेकिन जब ये वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है एक्सटेंड, अक्रॉस या कंप्राइज, मतलब विस्तार होना या शामिल होना। तो स्पैन का मतलब है एक्सटेंड, अक्रॉस या कंप्राइज। कंप्राइज है तो इसलिए शामिल होना है, और एक्सटेंड, अक्रॉस है तो विस्तार होना है, फैलने को बोलते हैं। देयर इंटरेस्ट स्पैन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्वेंशनल डिसिप्लिन्स। कहने का चाह रहा है देयर इंटरेस्ट, उनके जो भी इंटरेस्ट हैं, स्पैन का मतलब उनका विस्तार कहाँ तक है, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्वेंशनल डिसिप्लिन्स मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो उसमें शामिल हैं उनके सारी जो पारंपरिक डिसिप्लिन्स हैं वो सभी उसमें शामिल है। तो स्पैन वर्ब के रूप में है। अगर ये नाउन के रूप में होता तो इसका मतलब पीरियड होता, अवधि होता, लेकिन यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का मतलब एक्सटेंड, अक्रॉस या फिर कंप्राइज। दूसरा वर्ड है कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है रिजल्टिंग या एंश्योरिंग। देखिए, कॉन्सिक्वेंस एक वर्ड आप पढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंस, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम होता है, और कॉन्सिक्वेंस जो है वो नाउन होता है, और कॉन्सिक्वेंस का एडजेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो कॉन्सिक्वेंशियल बनेगा। इसका मतलब है परिणाम स्वरूप, ठीक है, रिजल्टिंग या इंश्योरिंग इसका आप सिनोनिम देख सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ए कॉन्सिक्वेंशियल विदड्रॉल ऑफ फंड्स। विश्वास खोया, विश्वास डगमगाया और परिणाम स्वरूप फंड्स को विदड्रॉ कर लिया गया, ये है दूसरा वर्ड आज के इस सेशन का। तीसरा वर्ड है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन या अनस्पॉइल्ड, जो मतलब अद्यतन है, प्राचीन है, या फिर कहें कि जो बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं हुआ है, बिल्कुल मूल स्थिति में है, उसे बोलते हैं प्रिस्टीन। तो प्रिस्टीन कॉपीज ऑफ एन अर्ली मैगजीन, मैगजीन की प्रिस्टीन कॉपीज है, वो कॉपीज हैं जो कि अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में है, अनस्पॉइल्ड कंडीशन में है। नंबर 4 है वर्बोस। एंड वर्बोस का मतलब होता है वर्डी या लोकेशस, शब्दों की अधिकता को बोलते हैं। मच अकेडमिक लैंग्वेज इज ऑब्स्क्योर एंड वर्बोस। अब देखिए, आप अपने ईमानदारी से अगर इन वर्ड्स को फिर से देखें, केवल लेफ्ट वाले वर्ड्स आप देखते चलें और आंखें बंद करके एक बार फिर से रिवाइज करें मेरे साथ साथ कि क्या इनका मतलब है। तो स्पैन हमने वर्ब के रूप में देखा था, इसका मतलब एक्सटेंड, अक्रॉस है, आपको इंग्लिश में ही याद करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको वर्ड्स इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। हिंदी में इसलिए दे रखा है ताकि आप अगर हिंदी मीडियम से हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो आप एक बार एक आइडिया लगा लें कि हाँ, इसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। तो स्पैन का मतलब एक्सटेंड, अक्रॉस या फिर कॉम्प्राइज है। कॉन्सिक्वेंशियल का रिजल्टिंग या इंश्योरिंग है। प्रिस्टीन का मतलब है ओरिजिनल कंडीशन में होना, या फिर कहें कि अनस्पॉइल्ड होना। और वर्बोस का मतलब है वर्डी या फिर लोकेशन, शब्दों की अधिकता को बोलते हैं। नंबर 5 का जो वर्ड है, हैपलेस है। हैपलेस का मतलब है दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट, और द हैपलेस विक्टिम ऑफ द डिजास्टर, जो डिजास्टर था, विनाश, विभीषिका थी, संकट था, उसका दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यशाली शिकार, विक्टिम का शिकार होता है, ठीक है। तो हैपलेस का मतलब है अनफॉर्चुनेट। आयर, आयर का मतलब होता है एंगर, क्रोध, आयर का मतलब क्रोध है। द प्लान्स प्रोवोक्ड द आयर ऑफ कॉन्वर्सेशनिस्ट, जो बातचीत करने वाले थे उनको मतलब गुस्सा आ गया, किस कारण से, प्लान्स के कारण, जो भी योजनाएं थी उन्होंने प्रोवोक कर दिया, उकसाने को बोलते हैं प्रोवोक, भड़का दिया गुस्से को, किसके गुस्से को, सॉरी कंजर्वेशनिस्ट है ये, कंजर्वेशनिस्ट संरक्षणवादी, जो संरक्षण करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को अपने ओरिजिनल फॉर्म में मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं, तो कंजर्वेशनिस्ट के आयर को इन्होंने प्रोवोक कर दिया। इनकर्सन का मतलब है इन्वेजन, अटैक, असोल्ट, आक्रमण को बोलते हैं, नाउन के रूप में यूज़ होता है। इनकर्सन्स इंटू एनिमी टेरिटरी, मतलब दुश्मन के क्षेत्र में आक्रमण की बात यहाँ पे की गई है। डेक, डेक का मतलब है द ग्राउंड और फ्लोर, मैदान या फर्श को बोलते हैं। देयर वॉज अ बिग थर्ड व्हेन आई हिट द डेक, जैसे ही मैं मैदान पर टकराया तो एक थब्बिक थर्ड का मतलब है बहुत धड़ाम से आवाज़ आई, तो ग्राउंड और फ्लोर को बोलते हैं डेक।
तो ये चार वर्ड्स और हो गए हैं, 8 वर्ड्स अब तक देख लिए हैं, तो इन चारों वर्ड्स का एक बार फिर से देखेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और बिल्कुल मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे और कोशिश करेंगे दिमाग पर जोर डालने की कि अब मैंने क्या पढ़ा था। हेल्पलेस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अनफॉर्चुनेट। आयर का मतलब गुस्सा है, एंगर है, ये नाउन है। इनकर्सन का मतलब होता है आक्रमण, तो इन्वेजन, अटैक एंड असॉल्ट। एंड डेक का मतलब है फ्लोर कह सकते हो या ग्राउंड कह सकते हो। नंबर 9 है डिफेक्टो। डिफेक्टो का मतलब है रियल या एक्चुअल। वास्तविक को बोलते हैं डिफेक्टो, एडजेक्टिव है। अ डिफेक्टो वन पार्टी सिस्टम, एक वास्तविक वन पार्टी सिस्टम की बात है। आई लगा रखा है वन पार्टी सिस्टम तो नाउन के रूप में है, डिफेक्टो एडजेक्टिव हो गया है। सेटबैक, सेटबैक का मतलब है जो भी प्रोग्रेस में बाधा हो, अ रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस, किसी भी प्रोग्रेस में अगर सेटबैक है इसका मतलब वो बाधा है, इम्पास है। अ सीरियस सेटबैक फॉर द पीस प्रोसेस, तो पीस प्रोसेस में शांति वार्ता में एक गंभीर सेटबैक, एक बाधा, एक रुकावट, इसकी बात है। तो 10 वर्ड्स हमने 1/5 सफ़र यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। 50 वर्ड्स हमें आज सीखने को मिलेंगे जिसमें 10 वर्ड्स हम सीख चुके हैं। 9th वर्ड हमने देखा डिफेक्टो, डिफेक्टो का रियल या एक्चुअल है। एंड सेटबैक का प्रगति में बाधा है। रिफ्लेक्सिवली का मतलब क्या है, विदाउट कॉन्शियस थॉट। रिफ्लेक्सिवली बगैर मतलब सोचे हुए उसको बोलते हैं। ये वर्ड तो आप आज के या कल में पेपर में देख सकते हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों का पक्ष लेते हुए डिसीजन दिया था, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और लॉयर्स हैं उनके बीच झड़प जो हो रही थी, उनके बीच जो लड़ाई चल रही है, उसमें वकीलों के पक्ष में जो निर्णय दिया है उनको शील्ड करने का प्रयास है, वहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया, रिफ्लेक्सिवली। द रिफ्लेक्सिवली अपोज पॉलिसीज दैट कुड हार्म देयर सैलरीज, वो बिना सोचे समझे उन पॉलिसीज़ को अपोज करते हैं जो कि उनकी हार्म सैलरीज को हार्म कर सकती हैं। ब्रेक डाउन का मतलब है फेलियर या कॉलेप्स। असफलता को बोलते हैं अ ब्रेक डाउन इन मिलिट्री डिसिप्लिन, मिलिट्री कार्य में असफलता, मिलिट्री डिसिप्लिन अनुशासन में असफलता। तो ये 12 वर्ड्स अब तक हमने सीखे हैं। 13th वर्ड है वांटिंग। वांटिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है लेकिंग या इनसफिशियंट, कमी होने को बोलते हैं वांटिंग। ठीक है, दे आरंट वांटिंग इन कॉन्फिडेंस, तो मतलब उनमें विश्वास की कमी नहीं है, वांटिंग है, एडजेक्टिव है। फिल्टी, फिल्टी का एलिजेंस या लॉयल्टी है, वफादारी को बोलते हैं। अ प्रॉपर्टी फॉर विच शी डिड फिल्टी, तो ये कहना चाह रहा है प्रॉपर्टी फॉर विच शी डिड फिल्टी, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी या किसी संपत्ति जिसके लिए वफादार है, जिसके लिए एलिजेंस है। ठीक है, तो ये फिल्टी हो गया। 15 है डायसफंक्शनल। डायसफंक्शनल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ट्रबल्ड या डिस्ट्रेस्ड, जो मुसीबत ग्रस्त है, जो डिस्ट्रेस्ड है उसको बोलेंगे डायसफंक्शनल। टेलीफोन वॉज डायसफंक्शनल, टेलीफोन जो है वो डायसफंक्शनल, काम नहीं कर रहा है, ट्रबल्ड है। ठीक है, फिर है टर्न ऑन इट्सेल्फ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है अंतर्मुखी हो जाना, इंट्रोवर्ट बन जाना। टर्न ऑन इट्सेल्फ, इट्सेल्फ का मतलब अपने आप में, टर्न ऑन का मतलब मुड़ना कह सकते हो, तो अपने तरफ से ही मुड़ना, अपने तरफ मुड़ेंगे, खुद की तरफ मुड़ेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली अंतर्मुखी, आप खुद के ही सोचेंगे, फिर आप दुस दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे, बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे। टू बिकम इंट्रोवर्टेड, ओवर द ईयर शी हैड टर्न ऑन हरसेल्फ एंड वॉज क्वाइट एन अलोन, तो इन सालों में वो अंतर्मुखी हो चली और वो बिल्कुल शांत और अकेली रहने लग गई, ये कहना चाह रहा है। तो 16 वर्ड्स हमने देखे हैं इस स्लाइड में। हमने देखा वांटिंग, देखा वांटिंग का कमी होना होता है, फिल्टी का एलिजियंस या लॉयल्टी होता है, डायसफंक्शनल जो ठीक से काम ना करे, ट्रबल्ड हो या डिस्ट्रेस्ड हो, और टर्न ऑन इट्सेल्फ का मतलब है इंट्रोवर्ट हो जाना। 17 है आउटविट। देखिए विट होता है बुद्धि, आउटविट आपने अगर देखा हो, पेस और आउट पेस ऐसे वर्ड्स होते हैं, गति में आगे निकल जाना, वैसे आउटविट है, तो बुद्धि में आगे निकल जाना है। आउट स्मार्ट कह सकते हो, डिसीव बाय इंजेन्यूटी का चाला, किसी दूसरों को हरा देना, या फिर आप कह सकते हैं आउट स्मार्ट। तो रे हैड आउटविटेड मैनी एन ओपोनेंट, रे ने बहुत सारे ओपोनेंट को, मैनी एन, अब एन मैनी के साथ में या एन हो तो सिंगुलर नाउन लगाते हैं, तो बहुत ओपोनेंट हैं, विरोधी हैं, उनको आउटविट किया, मतलब उनसे चालाकी से आगे निकल गया, उनको डिफीट किया चालाकी से। फ्रिवलस एक एडजेक्टिव है, वैसे भी OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, इसका मतलब वर्थलेस या अनइम्पॉर्टेंट है, जो महत्वहीन है, तुच्छ है, उसको फ्रिवलस कह सकते हैं। फ्रिवलस रिबन्स एंड लेसी फ्रिल्स, फ्रिवलस रिबन्स और लेसी फ्रिल्स, मतलब रिबन्स हैं और लेसी फ्रिल्स का मतलब है, फ्रिल्स झालर को बोलते हैं, लेसी मतलब फीते लटक रहे हैं उसके, तो ये फ्रिवलस है, मतलब तुच्छ सा लग रहा है, अनइम्पॉर्टेंट है, वर्थलेस है, कोई महत्व नहीं। आउटरेज का मतलब गुस्सा होता है, तो रेज या एंगर को बोलते हैं आउटरेज। हर वॉइस ट्रेम्बल्ड विद आउटरेज, उसकी वॉइस ट्रेम्बल कर रही थी आउटरेज से, ट्रेम्बल का कांपना होता है, तो गुस्से से कांप रही थी। कनॉट, कनॉट का इम्प्लाई या सजेस्ट, अर्थ निहित होने को कनॉट बोलते हैं। द टर्म मॉडर्न साइंस यूजुअली कनॉट्स ए कंप्लीट ओपननेस टू एम्पायरिकल टेस्टिंग, जो मॉडर्न साइंस शब्द है
वो सामान्यतया इसका अर्थ देता है कंप्लीट ओपननेस टू एम्पायरिकल टेस्टिंग, एम्पायरिकल टेस्टिंग के लिए कंप्लीट ओपननेस देता है, एक पूर्ण एक खुलापन यहाँ प्रदान करता है एम्पायरिकल टेस्टिंग, जो भी एम्पायरिकल टेस्टिंग है उसके लिए, ठीक है। तो इकोनॉट्स का मतलब अर्थ नहीं होना। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा है, आउटविट देखा है, आउटविट का चालाकी से आगे निकल जाना है, फ्रिवलस का मतलब तुच्छ या महत्वहीन है, आउटरेज का गुस्सा होता है, कनोट का अर्थ निहित होना होता है। तो 20 वर्ड्स अब तक हमने सीख लिए हैं। प्रॉफर, प्रॉफर का मतलब है ऑफर या सजेस्ट, प्रस्ताव रखने को बोलते हैं। शी प्रॉफर्ड ए ग्लास ऑफ वाइन, उसने एक ग्लास वाइन का प्रॉफर किया, उसको सजेस्ट किया, ऑफर किया। फिर ट्रंप, ट्रंप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और एक वर्ब के रूप में अगर यूज़ करते हैं इसका, तो इसका मतलब है सरपास समथिंग बाय सेइंग और डूइंग समथिंग बेटर, किसी से कुछ अच्छा बोलकर या करके आगे निकल जाने को बोलते हैं। तो इफ़ द फिटस इज ह्यूमन लाइफ, फिटस का मतलब भ्रूण, अगर भ्रूण मानवीय जीवन है, द ट्रम्प्स एनी आर्ग्यूमेंट अबाउट द फ्रीडम ऑफ द मदर, तो यह जो है वो किसी भी आर्ग्यूमेंट को मतलब सरपास कर देता है, आगे निकल गया कि जो मदर की फ्रीडम के बारे में कोई आर्ग्यूमेंट है उससे ये फिर आगे निकल जाता है। रन डाउन, रन डाउन एक एडजेक्टिव है, वैसे तो ये फ्रेजल वर्ब है, रन डाउन। इन अ पुअर और नेग्लेक्टेड स्टेट, खराब और उपेक्षित स्थिति में, अ रन डाउन एडवर्डियन विला, रन डाउन का मतलब उपेक्षित है, नेग्लेक्टेड है, इस कारण से इसको एडजेक्टिव कहा गया, वैसे तो ये फ्रेजल वर्ब है। असेंडेंट, असेंडेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब जिसकी पावर या प्रभाव बढ़ रहा हो, राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, जिसका प्रभाव और शक्ति बढ़ रही हो असेंडेंट। द न्यूली असेंडेंट लिबरल पार्टी, वो लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी तो पार्टी का नाम है, जो कि न्यूली असेंडेंट है, मतलब इसका प्रभाव बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इस स्लाइड में हमने सीखा है प्रॉफर, प्रॉफर का है ऑफर, पी आर को हटा देंगे, ऑफर बन जाएगा। ट्रंप वर्ब है, आगे निकल जाना, तो आप इसको लिंक कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरों से आगे निकल गए हैं, ठीक है। रन डाउन, रन डाउन का मतलब है, वैसे तो कुचलना भी होता है रन डाउन, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है खराब या उपेक्षित स्थिति में, और अब असेंडेंट का मतलब प्रभाव या पावर बढ़ रहा हो। नेक्स्ट वर्ड 25th, रिगर, द हार्श एंड डिमांडिंग कंडीशंस, मुश्किल स्थितियाँ, रिगर का मतलब है सख्त स्थितियाँ, कठोर स्थितियाँ। द रिगर्स ऑफ अ हार्श विंटर, जो कड़ाके की सर्दी है उसकी मुश्किल परिस्थितियों के बारे में, ये एक एग्जाम्पल सेंटेंस। सोबर का मतलब है मेक और बिकम मोर सीरियस सेंसिबल, किसी को अगर वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो गंभीर बनना, सेंसिबल बनना, ठीक है। हिज एक्सप्रेशन सोबर्ड हर, उसके जो एक्सप्रेशन थे उसने उसे और अधिक गंभीर कर दिया, उस मतलब एक यहाँ पे पुरुष है एक महिला है, तो पुरुष के एक्सप्रेशन ने महिला को और अधिक गंभीर सीरियस कर दिया। कॉन्ट्रैप्शन, कॉन्ट्रैप्शन का मशीन या गैजेट होता है, नाउन के रूप में यूज़ करते हैं क्योंकि टी आई ओ एन से एंड है कॉन्ट्रैप्शन, तो टी आई ओ एन से एंड होने वाले वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। रिपेयरिंग स्टीरियोज एंड मेकिंग कॉन्ट्रैप्शन आउट ऑफ स्पेयर इलेक्ट्रॉनिक बिट्स, रिपेयरिंग स्टीरियोज एंड मेकिंग कॉन्ट्रैप्शन आउट ऑफ स्पेयर इलेक्ट्रॉनिक बिट्स, तो स्टीरियोज को रिपेयर करना और उनसे जो स्पेयर इलेक्ट्रॉनिक बिट्स है उससे कॉन्ट्रैप्शन, मतलब मेकिंग कॉन्ट्रैप्शन आउट ऑफ स्पेयर, स्पेयर का मतलब जो बच गए हैं या फिर स्पेयर पार्ट जैसे कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक बिट्स से कॉन्ट्रैप्शन को निकालना। रोल बैक का मतलब रिडक्शन या डिक्रीज, कटौती को बोलते हैं। 5% रोल बैक ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस, 28 हो गए हैं। इस स्लाइड में हमने देखा रीगर, रीगर का मतलब होता है मुश्किल परिस्थितियाँ, डिमांडिंग कंडीशंस, हार्श कंडीशंस, सोबर एक वर्ब के रूप में हो तो मेक और बिकम मोर सीरियस और सेंसिबल, कंट्रप्शन का मशीन और गैजेट, एंड रोल बैक का रिडक्शन या डिक्रीज। फिर है प्लॉडिट, प्लॉडिट एक वर्ब है, नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं वैसे इसका, तो यह प्लॉडिट का मतलब है अपलोज या प्रेज, प्रशंसा को बोलते हैं। द नेटवर्क हैज़ रिसीव्ड प्लॉडिट्स फॉर स्पोर्ट्स कवरेज, नेटवर्क ने अपने स्पोर्ट्स कवरेज के चलते बहुत अधिक प्रशंसा प्राप्त की। रेक्टिट्यूड का मतलब मॉरलिटी, प्रॉबिटी, इंटीग्रिटी, नैतिकता या ईमानदारी होती है रेक्टिट्यूड। मैटी इज़ अ मॉडल ऑफ रेक्टिट्यूड, मैटी जो है वो रेक्टिट्यूड की एक मूर्त है, ठीक है, सत्यनिष्ठा की एक मूर्त है। पास्ट मास्टर एक फ्रेज है, टू रीच एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, स्वीकार करने योग्य स्तर तक पहुंचना, जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है वहां तक पहुंचना। न्यू टीम्स वॉन्ट बी एडमिटेड टू द लीग, नई टीम्स जो हैं वो लीग में एडमिट नहीं की जाएगी। एडमिट के साथ में प्रेपोजिशन टू लगता है। इफ़ देयर स्टेडियम्स डोंट पास मस्टर, यदि उनके स्टेडियम उस स्तर के नहीं है जिसे आप स्वीकार कर सकें, तो फिर टीम्स को एडमिट नहीं किया जाएगा लीग में। बर्निश, बर्निश एनहांस या इम्प्रूव, सुधारना, पॉलिश करना भी होता है बर्निश।
अन मैन हु टुक एडवांटेज ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी टू बर्निश हिज इमेज, एक व्यक्ति जिसने पूरा लाभ उठाया किसी भी अवसर का अपनी इमेज को बर्निश करने के लिए। तो इस स्लाइड में क्या क्या सीखा हमने, हमने सीखा अपलॉडेड, प्लॉडेड का प्रशंसा होता है, प्रेज होता है, अपलोज होता है, एक्टीट्यूड प्रॉबिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, मॉरलिटी, ये सब हो सकता है। पास मास्टर का टू रीच एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है, नैतिक स्तर तक पहुंचना है, मतलब जो भी योग्य स्तर है वहां तक पहुंचना है, एक्सपेक्टेड लेवल तक पहुंचना है, बर्निश का एनहांस या इम्प्रूव। पॉजिट का मतलब पुट फॉरवर्ड या प्रपोज, मतलब प्रस्तुत करना। द कन्फ्यूशियन व्यू पॉजिट से परफेक्टिबल ह्यूमन नेचर, जो कन्फ्यूशन दृष्टिकोण है वो मतलब दर्शाता है एक परफेक्ट ह्यूमन नेचर, एक पूर्ण ह्यूमन नेचर। एर्गो का मतलब होता है देयरफॉर, इसीलिए। एर्गो एक एडवर्ब है, शी वॉज द सोल बेनिफिशियरी ऑफ द विल, चूँकि वसीयत उसी को मिलने वाली थी, एकमात्र लाभ प्राप्त करने वाली वही थी, इसीलिए वो प्राइम सस्पेक्ट भी है, मुख्य संदेह उसी पर जा रहा है। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज, ये एक नाउन है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द रिसेंट स्ट्रिंग ऑफ पॉलिटिकल स्कैंडल्स, आप क्या सोचते हैं जो पॉलिटिकल स्कैंडल्स की अभी वर्तमान श्रृंखला है उस बारे में। परवेसिव, यूबिक्विटस या वाइड स्प्रेड, व्यापक, सर्व, मतलब हर जगह पे उपस्थित। एजिज्म इज परवेसिव, अगर वृद्धावस्था जो है वो मतलब अभी परवेसिव है, व्यापक है, हर जगह उपस्थित है। एन एंट्रेंस्ड का मतलब काफ़ी गहरे जड़ तक जुड़ी हुई है और सोसाइटी, हमारे समाज में ऐसा देखने को मिलेगा ही। तो पॉजिट का मतलब है प्रस्तुत करना, पुट फॉरवर्ड या फिर प्रपोज, देयरगो का देयरफॉर, स्ट्रिंग का सीरीज, एंड परवेसिव का व्यापक, यूबिक्विटस या वाइड स्प्रेड। डेंगलिंग, हैंगिंग और स्विंगिंग लूसली, मतलब लटकता हुआ कह सकते हो। अ पार्ट ऑफ डेंगलिंग ईयर रिंग्स का एक डेंगलिंग पार्ट, झूलता हुआ पार्ट। स्लिट का मतलब कट या स्लैश होता है, काटना। गिव मी द ट्रूथ और आई विल स्लिट योर थ्रॉट, कि मुझे सच बताओ या फिर मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, स्लिट का मतलब ये है। ट्रायस्ट का मतलब मीटिंग होता है। अ मून लाइट ट्रायस्ट मतलब चांदनी रोशनी में मुलाकात। स्काउट्स का मतलब होता है पीड़ा, एफ्लिक्शन, कर्स या प्लेग। द स्काउट्स ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़े स्तर पर जो बेरोजगारी है उसकी पीड़ा। तो क्या सीखा है, डेंगलिंग का झूलना होता है, स्विंगिंग या हैंगिंग होता है, स्लिट का कट या स्लैश होता है, ट्रायस्ट का मीटिंग या मीटिंग प्लेस भी हो सकता है, स्काउट्स का मतलब एफ्लिक्शन, कर्स और प्लेग। 41 का है प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट का मतलब वाइड स्प्रेड, प्रिवेलिंग, कॉमन, व्यापक को बोलते हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसको बोल सकते हैं। द सोशल इल्स प्रिवेलेंट इन सोसाइटी टूडे, आज सामाजिक बुराइयाँ समाज में अस्तित्व में हैं, समाज में अभी फैली हुई हैं। स्ल्यू का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, ए नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। ही आस्क्ड मी ए स्ल्यू ऑफ क्वेश्चंस, उसने मुझे बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे। और कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है मीटिंग, जंक्शन, ज्वाइनिंग, संगम को बोलते हैं, तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स, रिवर्स का संगम। इम्पॉवरिश्ड का मतलब वेरी पुअर, बहुत ही गरीब को बोलते हैं। एन इम्प्रोविज्ड यंग डॉक्टर, एक गरीब युवा चिकित्सक। अवाउड का मतलब स्टेटेड या एडमिटेड, घोषित को बोलते हैं। एन अवाउड एनिमी, ठीक है। इसके बाद में इसको इस स्लाइड में एक बार फिर से देखें, प्रेविलेंट का मतलब है जो अस्तित्व में है, स्ल्यू का मतलब जो बहुत बड़ी संख्या में है, कॉन्फ्लुएंस का संगम है, इम्प्रोविस्ड का गरीब है। फिर 46 है रैमशेकल, रैमशेकल डिलैपिडेटेड या फिर रियूनस, जर्जर को बोलते हैं। रैमशेकल कॉटेज, एक ऐसी झोंपड़ी जो कि जर्जर अवस्था में है। टू द फोर का मतलब प्रीडोमिनेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। द सक्सेशन इशू केम टू द फोर, सक्सेशन इशू है जो राज्यारोहण का इशू है कह सकते हो, वो मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया। डायर का मतलब एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट, बहुत अधिक सीरियस को बोलते हैं, गंभीर, आवश्यक, गंभीर को बोलते हैं। मिसयूज ऑफ ड्रग्स कैन हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज परिणाम, जो ड्रग्स का मिसयूज है वो मतलब भयानक परिणाम ला सकता है। डिसएरे का डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, कैओस, अव्यवस्था को बोलते हैं। हर हेयर वॉज इन डिसएरे, उसका जो बाल है वो अव्यवस्थित हो गए थे। और कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक है, जिसके कारण कोई चीज़ एक्टिवेट हो सकती है, स्टिमुलस या मोटिवेशन। द प्राइम मिनिस्टर स्पीच एक्टेड एज ए कैटलिस्ट फॉर डिबेट, प्राइम मिनिस्टर के स्पीच ने डिबेट के लिए उस मतलब कैटलिस्ट का काम किया। इस स्लाइड में रैमशेकल हमने पढ़ा, डिलापिडेटेड, रूनस, जर्जर अवस्था में। टू द फोर का महत्वपूर्ण, प्रीडोमिनेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायर का मतलब एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट। डिस एरे, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, कैओस। और कैटलिस्ट का मतलब है स्टिमुलस, मोटिवेशन। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या सीखा है 50 वर्ड्स में से, कि आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और उस पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि अभी आपको क्या करना है, ये वर्ड्स केवल देखिएगा, जैसे कि बचपन में आप करते आए हैं, केवल यही वर्ड देखिए, आप उसका डेफिनेशन नहीं देखना है आपको ईमानदारी से। और कोशिश कीजिए कि 50 वर्ड्स में से कितने आपको लर्न है।
अगर आप 24 आवर्स में एक बार फिर से रिपीट करते हैं तो निश्चित यकीन मानिए कि 7 डेज तक आपको याद रहेगा, और 7 डेज में अगर आपने एक बार फिर से देखा तो ये पूरे मंथ याद रहेगा, और मंथ में एक बार फिर से देखा तो पूरे साल याद रहेगा, और साल में फिर से देखा तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। कम से कम 5 से 10 टाइम्स आप रिवाइज़ करेंगे किसी भी चीज़ को, डेफिनेटली आप भूलेंगे नहीं। चलिए ये सेशन, इसमें हमने 50 वर्ड्स सीखे हैं, कोई नया सेशन होगा जल्द ही, उसमें कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।